अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर एक वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको जो है कोकोनट बेस के साथ और जो बेजल लीव के साथ और जो नीम के पत्तों के साथ और एक दो और चीज़ों के साथ मिलकर मैंने कम से कम 8 के लिए आपको मेथड्स बताए थे मच्छरों से बचने के लिए। मच्छर जो एक बहुत जो है ख़तरनाक किस्म का एक इंसेक्ट है, इससे डेंगू बुखार होता है, मलेरिया होता है और काफ़ी किस्म के दूसरे भी जो है वायरल इन्फेक्शन होती हैं। तो दोस्तों आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मॉस्किटो रेपेलेंट लेकर आया हूँ, यानी मच्छरों से बचने के लिए एक आपके पेस्ट बनाना सिखाऊंगा। तो उसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है और ट्रूली जो है मच्छर का बाप क्या, माँ क्या, उसका बेटा क्या, बच्चा क्या, आपको काट नहीं सकता, आपके करीब फटक नहीं सकता। और ट्रूली इसे मैंने एक्सपेरिमेंटल पहले तजर्बा किया है, फिर मैं आप लोग के लिए लेकर आया। मैंने पहले आपके लिए डिज़ाइन किया है और ये मच्छरों से बचाने के साथ साथ आपको जहरीले कीड़ों से भी बचाएगा। तो अगर आपको कोई जहरीला काट गया तो उसकी जगह पर भी आप लगा सकते हैं, और अगर आपके कोई चोट लगी हुई है, कोई संगीन जो है सर्जरी हुई है, इसके ऊपर भी आप लेप इसका कर सकते हैं तो आपको उससे भी फायदा होगा। और ऐसे लोग जिनकी डल स्किन है, चेहरा जो है बेरोनक है, शाइन नहीं है, जिल्द ख़राब है, मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी की वजह से उनकी स्किन ख़राब हो चुकी है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। इसका बनाना शुरू करते हैं बहुत आसान तरीके के साथ मॉस्किटो रेपेलेंट को। और दोस्तों यहाँ पे मैंने फ्रेश जो है एलोवेरा का पौधा जो होता है इसके जो तने लिए, इस तरह ये तने होते हैं, तो इसमें से हमें जल चाहिए। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा फ्रेश लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा नर्सरी में। आम ये पौधा लगा हुआ, घरों में भी लगा होता है, जहाँ पर लगा तो वहाँ से आप लेकर आ सकते हैं। तो आप बना बनाया जेल ना यूज़ कीजिएगा, आपने जस्ट ये वाला लेना है, फ्रेश लेना है और इसका जेल निकालना है फ्रेश। और हमें ये तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब चाहिए, तो आप 8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, लेकिन 6 इज़ एनफ। और दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट जाएंगे ये 30 के करीब मैंने जो है तुलसी के पत्ते लेके धो के, इसके ऊपर डस्ट होती है, प्लीज़ आप इसे धो के अच्छे तरीके के साथ इसे अपने पानी में रखना है, अदरवाइज़ ये ड्राई हो जाते हैं, काले भी हो जाते हैं। और ये आप इसी तरह इसका पाउडर भी ले सकते हैं, मैं आपको पाउडर भी दिखा देता हूँ, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते तोड़े, उसे धूप में रखें, 1 से 2 दिन के अंदर ये ड्राई हो जाते हैं, या रूम के अंदर भी आप रख सकते हैं, तो इस तरह ये पाउडर बन जाता है, ये भी कन्वीनियंट है। तो आप पौधा भी बना के रख सकते हैं अगर आपको कहीं पे ये पौधा लगा हुआ मिलता है, लेकिन मैं आपके सामने जो भी बना रहा हूँ वो फ्रेश यूज़ करूँगा। और नेक्स्ट दोस्तों इसमें 2 टेबल स्पून के करीब फ्रेश लेमन जूस चाहिएगा। चलो दोस्तों इसका जेल निकालते हैं, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस तरह आपने हाफ कर लेना है ताकि ईजी टू हैंडल हो, इस तरह आपने से पीसेस में कर लेना है। सबसे पहले आपने इसकी जो ये कांटे लगे हुए हैं इसे रिमूव करना है इस तरह। दोस्तों मैं सबसे आसान तरीका आपको ये बता रहा हूँ जिससे आप इजीली जेल अलग कर सकते हैं। दोस्तों ये साइडें इसकी जो हमने रिमूव कर दी हैं ये इस तरह आ जाएगा। अब हम इसे दरमियान से या बिल्कुल साइड से इस तरह काट लेंगे, ये देखिए इस तरह, ये देखिए ये हो गया। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही काट लें इसे, बहुत आसानी के साथ ये हो जाता है, जेल सेपरेट हो जाती है। देखिए दोस्तों इस तरह ये पूरी की पूरी मैंने अलग कर ली है, बहुत आसानी के साथ हो गया, ये देखिए इस तरह ये बिल्कुल साफ हो गया। थोड़ा दोस्तों ये स्टिकी होगा, चिपचिपा सा होगा लेस साथ, परेशानी होने से लेके इस तरह एक मैंने आपको करके दिखा दिया, अब मैं सारे ये करता हूँ फिर मैं आपको फाइनल्स का दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों मैंने देखिए जेल अलग कर ली है, ये तकरीबन जो है 8 टेबल स्पून के करीब मैंने निकाली है। तो जैसे मैंने आपको बताया आप 6 टेबल स्पून ले सकते हैं और आप 8 टेबल स्पून भी ले सकते हैं और 10 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, जितना आपने बनाना है उस हिसाब से आप ये जो है जेल निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश है, देखिए कितने प्यारे तरीके से मैंने आसानी के साथ इसे जेल को निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, सारा दोस्तों आपने चट्टू बट्टा ले लेना है, सिलबट्टा जिसे कहते हैं,
अगर आपके पास है वो पत्थर वाली है सिलबट्टा वो ले लें, या ये लकड़ी वाले या जो चट्टूबट्टा होता है ये ले लें, और मिक्सी है कोई फाइन बारीक पीसने वाला तो वो भी ले सकते हैं आप। चलें दोस्तों, मैंने तुलसी के पत्ते यानी न्याजबो के पत्ते इसके अंदर डाल के देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बना ली है। अब नेक्स्ट शो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मैंने ये चट्टोबट्टे के अंदर डाल के इसे बहुत बारीक फाइन कर ली है, और जितना फाइन कर सकते हैं उतना अपने फाइन इसे करना है, ताकि जो तुलसी के पत्तों का जो एंजाइम है और विटामिन है मिनरल्स है सारे एक्सट्रैक्ट हो जाएँ इसमें। अब दोस्तों नेक्स्ट शो हमने जो एलोवेरा जेल अलग करके रखी है इसके अंदर हम शामिल करेंगे। साथ ही लेमन जूस शामिल कर देंगे। लेमन जूस जैसे मैंने आपको बताया था ये प्रिजर्वेशन के लिए। चलें दोस्तों, ये मैं लेमन जूस यूज़ कर रहा हूँ, ये फ्रेश स्क्वीज़ है, इसके अंदर शामिल कर दें, और अच्छे तरीके से हमने इसे दोबारा लिक्विफाई करना है। चलें दोस्तों, सारे मटेरियल मैंने डाल के अच्छे तरीके से फाइन जो है पीस लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या करना है हमने। दोस्तों हमने फाइन करना है यानी फाइन जो है इसे सॉर्टेड करना है इसके अंदर से। अब ये जो सारा लिक्विड जो हमने बनाया है इसके अंदर डाल दें, क्योंकि ये जेली टाइप होता है, ये जेली नहीं होता। चट्टू के अंदर इसे इस तरह आप कर लें दबा दबा के। चलिए दोस्तों, ये हो गए, ये देखिए हमारे पास लिक्विड इसका आ चुका है। अब हम इसके इस तरह की शीशे की बोतल ले लें छोटी सी, अगर आपके पास घर में मौजूद है, इसके अंदर आपने ये डाल लेना है। अगर आपके पास ड्रॉपर है, आई ड्रॉपर जो होते हैं उसके अंदर डाल दें, वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो उसमें एक से तीन चार ड्रॉप लेने में इजी हो जाएगा। चलो दोस्तों, ये रेडी है। लेंगे दोस्तों, हमारी दो आदत शीशियाँ तैयार है। अगर आपके पास आई ड्रॉपर जैसे मैंने आपको बताया उसमें डाल दें तो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह आपने इसे निकालना है, और आपने इसे फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना, फ्रीज़र में नहीं रखना, आपने फ्रिज में रखना है। ये काफ़ी देर निकल जाएगा, कम से कम 3-4 महीने निकल जाएगा, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने जो लेमन जूस डाला है ये इसे प्रिजर्व करेगा। जस्ट हमने इस तरह 5-6 ड्रॉप्स लेने, और जो जिस्म की नंगी जगह होती हैं वहाँ पर इस तरह हमने लगा लेना है, इस तरह अच्छे तरीके के साथ। पाँव नंगे होते हैं हमारे वहाँ लगा लें, कान नंगे होते हैं, चेहरे की जो स्किन होती है जिल्द नंगी होती है वहाँ लगा लें, माथे पे और गले पे, और आस्तीन अगर आप स्लीवलेस पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, उसके बाजुओं में लगा लें, तो जहाँ पे मच्छर मौजूद होते हैं, या आप अंधेरे में बैठते हैं या लाइट चली जाती है तो मच्छर फ़ौरन आ जाते हैं, तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा मच्छर से। इसके अलावा ये जहरीले कीड़ों से भी बचाएगा, चूंटियों से, जितने भी हशरात होते हैं जहरीले, बिच्छू हो गया और इस तरह सांप वगैरह हो गया, इसकी स्मेल से ये भागते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। ऐसे लोग जिनके डार्क सर्कल पड़े हुए हैं चेहरे के नीचे, आप लगाएं आंखों के नीचे, लगाएं आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं उधर लगाएं, तो आपके आंखों के जो डार्क सर्कल है यानी स्याह हल्के ख़त्म हो जाएंगे, और जल्द आपकी लटकी हुई है तो ये लगाएंगे आपकी जल्द जो स्ट्रेच हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, आप बिल्कुल जवान हो जाएंगे। और किसी किस्म की भी आपको स्किन की एलर्जी है ये भी दूर कर देगा। लास्ट में मैंने आपको जो बताया था कोकोनट बेस बताया था, तो आज मैंने थोड़ा सा चेंज इसे किया है। और ऐसे लोग जो चिकनाई से जिन्हें उलझन होती है, जिन्हें चिपचिप बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो उनके लिए ये बेस्ट है। ये लगाते साथ ही देखिए बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और खुश्क हो जाएगा, और बिल्कुल स्मूथ आपको प्लेजेंट फील होगा, और ये रंग को भी गोरा करता है, चेहरे की जितनी भी बीमारियां हैं, डल स्किन है, शाइन नहीं है, ग्लो नहीं करती आपकी स्किन, तो कुछ दिनों के इस्तेमाल से
आपका जो आपके चेहरे की स्किन है वो भी दाग धब्बों से दूर हो जाएगी, पिंपल से दूर हो जाएगी और साफ शफाफ हो जाएगी, चमक आ जाएगी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये एक मिरेकल है, ये एक जो है मिरेकल जो पेस्ट है, इसे ज़रूर बनाइएगा। तो आने वाले वीडियो में भी मैं आपके लिए बहुत सारे जो है मॉस्किटो रेपेलेंट लेकर आऊँगा, मच्छरों को भगाने वाले जो चीज़ें हैं वो लेकर आऊँगा, क्योंकि दोस्तों मच्छर जो हैं ये बहुत ख़तरनाक एक कीड़ा होता है, इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और जहरीले कीड़े जो होते हैं स्पेशली मौसम में गर्मा मौसम बाहर के अंदर हर किस्म का कीड़ा निकलता है जो स्किन को काटता है। तो इस वजह से ये आप बना के रख लें, ये जैसे मैंने आपको बताया 2-3 महीने निकल जाते हैं अगर आप इसी तरह से बनाएंगे। फ्रिज में आपने रखना है, इसे फ्रिज से निकालने इस्तेमाल कर लेने, और फर्ज करें आप थोड़ा सा बना लें तो आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, इसे डॉपर में डाल के जेब में रख लें तो ये आपके काम आता रहेगा। तो चलें दोस्तों मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।